Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है 3 फिल्म से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या इस फिल्म का बजट रहेगा, कौन सा विलेन रहेगा, क्या स्टारकास्ट रहेगी, कौन से डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और कब रिलीज होगी, तो दोस्तों ये सभी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और आप भी अगर सलमान खान सर के ट्रू फैन है तो हमारी चैनल बी टाउन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टाइगर जिंदा है 3 इस फिल्म को हाई लेवल पर बनाया जाएगा। इस फिल्म में दमदार एक्शन रहेगा और दोस्तों इस फिल्म को दो बड़े डायरेक्टर मिलकर डायरेक्शन देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अली अब्बास जफर और कबीर खान। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को दो बड़े डायरेक्टर डायरेक्शन देने वाले हैं, यानी टाइगर जिंदा है हाई लेवल पर रिलीज होगी। और इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है दोस्तों वो 250 करोड़ बताया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार टाइगर जिंदा है फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान के ऑपोजिट कैटरीना कैफ दिखाई देगी और विलन के रोल पर जो नाम सामने आ रहा है वो दोस्तों शॉकिंग है। जी हाँ दोस्तों, विलन के रोल में हमें जॉन अब्राहम दिखाई दे सकते है। दोस्तों जॉन अब्राहम इससे पहले रेस 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में विलन का रोल कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले एक था टाइगर आया था 2012 में, इस फिल्म को डायरेक्शन दी थी कबीर खान ने और ये फिल्म 198 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस किया था और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। उसके बाद दोस्तों टाइगर जिंदा है फिल्म आई 2017 में और इस फिल्म को डायरेक्शन दिया अली अब्बास जफर ने और इस फिल्म ने इंडियन मार्केट में 339 करोड़ का बिजनेस किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई और सलमान खान करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी टाइगर जिंदा है ही थी। दोस्तों टाइगर जिंदा है 3 फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं यशराज बैनर, यानी कि हाई लेवल पर प्रोड्यूस किया जाएगा इस फिल्म को। इस फिल्म की जो रिलीज डेट सामने आई है दोस्तों वो है क्रिसमस 2022। दोस्तों हाल में अभी जो लॉकडाउन की वजह से देश भर और दुनिया भर का माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से राधे फिल्म भी शूटिंग कंप्लीट होकर तैयार है और इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने के लिए भारी भरकम दी जा रही है। एक बढ़िया सा ऑफर दिया है डिज्नी प्लस और हॉटस्टार ने। इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं पर अभी तक प्रोड्यूसर और सलमान खान के बीच में ये तय नहीं हुआ कि राधे फिल्म को ऑनलाइन रिलीज किया जाए या नहीं, अभी ये कंक्लूजन है। दोस्तों क्या दोस्तों आपके ख्याल से राधे फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।